अब वो जो गोल्ड माइन कहते हैं उनकी पश्चिम की दुनिया में इनके लिए कोयला वगैरह को सबको वो गोल्ड माइन के रूप में माना जाता है, उस अर्थ में गोल्ड माइन दिखा है, हमारे यहाँ कोई सोना की खदाने नहीं दी गई है। फोर्ब्स मैगजीन ने आगे एक जगह पे अच्छी बात कही है, हमने जो प्रयास किया उसको उसने कहा है, एक ही वाक्य अच्छा अलग से मैं पढ़ना चाहूंगा, दिस इज द वे दिस मैटर शुड बी हैंडल। मैं समझता हूं इसमें काफी कुछ आ जाता है। तो हमने गुड गवर्नेंस के अंदर दूसरा पहलू है गुड गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी। हमें मान के चले कि कुल मिलाकर के जो डिटोरिएशन आया है उसमें हम खबरों की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही हैं। खबरें आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी का विषय छूट जाता है। हमने कोशिश की है कि अकाउंटेबिलिटी पर बल दिया जाए। मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के रिव्यू कर रहा हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा, दस दस बीस बीस साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। क्या तो एनवायरमेंट वालों ने रोक दिया होगा, क्या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई बॉडी होगी छोटी नगरपालिका उसने रोक करके बैठ गई होगी। और रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है कोई देखता नहीं पूछता नहीं, इसी कारण कभी फाइनेंशियल कारण भी रहे होंगे। लेकिन दस दस बीस बीस साल से रुके हुए प्रोजेक्ट, मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट का खुद ने रिव्यू किया और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। मैं इस सदन को नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वो सारे छोटे 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 संकटों में फंसे हुए ये 15-15-20 साल पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, गति बढ़ रही है, परिणाम। गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इतना बड़ा देश, हम सेंट्रलाइज मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज करेंगे और इसलिए सरकार ने नीतिगत रूप से डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं। जैसे एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए और क्या परिणाम आया हम जानते हैं, क्या क्या बातें सुनी गई, क्या क्या बातें कही गई, किस पर क्या क्या लगा सब मालूम है। हमने 10 रीजनल ऑफिसेज को स्ट्रेंथन किया और इन चीजों को वहीं पर, ताकि उनको वहां की समस्या का समझ है, वो जानते हैं चीजों को, उसको हमने किया। कुछ चीजें सरकार की, मैं तो हैरान हूं, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है, इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में 50 परमिशनों में वो अटके पड़े हुए थे और बिना पानी को एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनाना है, अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड बन गया है, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने के लिए परमिशन नहीं दे, ऐसी छोटी छोटी चीजें। हमने रेल रोड पाइपलाइन बिजली ट्रांसमिशन, इसके लिए केंद्र के पास आना ही जरूरी नहीं, ऐसा कानून बना, व्यवस्था कर वहीं पर। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के राइट्स बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज्यादा दे दिए, ताकि वो भी, हम जितने जिम्मेवार हैं उतने भी राज्य के लोग जिम्मेवार हैं और वो कोई देश को बर्बाद करना नहीं चाहते। अब जैसे सैंड, आज हमारे यहाँ नदी में से बालू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी, हर नदी दिल्ली तक इंतजार करती है परमिशन मिले,
हमने इसको राज्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको निर्णय करेगी और वो तय करेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लोग देख सकते हैं। रेलवे के टेंडर पहले रेलवे के सारे टेंडर प्रक्रिया यहां होती थी, आज हमने उसको जनरल मैनेजर के अंडर में डाल दिया। टेंडर प्रक्रिया वहीं से चल रही है, गति से चल रही है। पहले कैबिनेट अप्रूवल के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट भी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आते थे, इंतजार करना पड़ता था। हमने तय कर दिया मिनिस्ट्री करेगी, 1000 करोड़ से ऊपर होगा तभी कैबिनेट में लाना है, उन कामों को आगे बढ़ाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। गुड गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण बात होती है इफेक्टिव डिलीवरी। अब जनधन अकाउंट की यहां चर्चा हो रही है, हमारे माननीय विपक्ष नेता जी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी। और ये सदन के सदस्यों का यही काम होता है, ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है। और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य के चर्चा नहीं करता। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आ जाती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले। लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत करने का मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारे करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां चल, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर आप सब्सिडी कम कर रहे हो। वैसे वो उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन क्यों बोल दिया मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, जबकि उनका कोई उपयोग उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा 30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भाई जरा हम जाम योजना को आज लागू करें, सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया। कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा।
लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुड़ीपतियों के पास चला जाता था, ये पूंजीपति लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते थे। ये टारगेटेड सब्सिडी का परिणाम ये है, ये जो धन्ना सेठ या पूंजीपति के लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, बहुत एक तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा। और इसके कारण देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी, देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी। तीसरा देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है। ये रुपये बचाने का खेल नहीं है, एक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं, लीकेजेज बंद करने की, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां हैं तो ठीक करनी है, और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। तो मैं निमंत्रित कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए ताकि हम इसको कर पाए। एक विषय है, माननीय हमारे गुलाम नबी साहब ने विषय निकाला स्किल डेवलपमेंट का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था वगैरह वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल ये परंपरागत पर है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया। अब बात कहां जाकर के अटकती है? अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी ये तो हमने शुरू किया। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि शुरू किया उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही? और इसलिए हर बार, ये तो हमारे समय हुआ था, ये उत्साह का अपना एक महत्व है, श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, ये आपका मन करेगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। आप इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। अब स्किल डेवलपमेंट, देखिए साहब, 2008 में मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट पिछली सरकार में जो चला उसमें एक स्किल की मास्टरी आ गई, और वो मास्टरी थी कमिटियां बनानी और कमिटियां बिखेरनी, उसमें मास्टरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट वो हुआ। 2008 में पीएम्स नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फिर 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, कमिटियां पर मीटिंगें नहीं होती थी। एक कमेटी की मीटिंग शायद 2.5-3 साल के बाद अचानक ये कर ली गई थी, लेकिन वो भी इसलिए कर दी गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे।
और आखिरकार इतनी सारी कमेटियों के बाद 2013 में ये तय कर दिया गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जाए और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाए। साहब, ये स्किल डेवलपमेंट का हाल था। स्किल डेवलपमेंट के विषय में आपका अज्ञान नहीं था, आपको ज्ञान था कि यह जरूरी है, देश में इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है, करना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो महाभारत याद आता है, जानामि धर्मम नचे मे प्रवृत्ति। ज्ञान तो बहुत था लेकिन करना प्रवृत्ति नहीं थी। अब कौन क्या ये मैं कहने का कर नहीं सकता। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 में हमने स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री बनाई। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए कॉमन नॉर्म्स तय किए, स्किल इनिशिएटिव्स कंसिस्टेंट क्वालिटी हासिल करने के पर बल दिया गया। एनएसडीसी के तहत हमने 1.5 साल में 2.5 गुना उसमें बढ़ोतरी की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI हमने 1.5 साल के भीतर 20% उसमें इजाफा किया। पिछले 2 वर्ष में क्षमता 15,23,000 सीटों से बढ़कर के 18,65,000 कर दी गई। 20% हमने बढ़ोतरी की। 1,70,000 प्रति वर्ष जो तय होते थे उसमें हमने 53,000 और जोड़ दिए। 10th और 12th उसमें वोकेशनल एजुकेशन करीब 1,200-1,300 स्कूल में चलता था, आज उसको हमने एकदम से क्वांटम जंप लगा करके 3,000 पहुंचा दिया। 1.5 लाख अतिरिक्त छात्रों का लाभ उसके लिए हुआ। इंटरनेशनल मोबिलिटी, एक बात मान के चले कि 2030 वो समय आएगा जब दुनिया की नजर हिंदुस्तान के वर्कफोर्स पर रहने वाली है। हमने अभी से ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इंटरनेशनल मोबिलिटी को हमने बल देना चाहिए और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और UK के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच होते हुए कामों को हमने शुरू किया है। और भी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस स्टैंडर्ड को लेने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप, किसी न किसी कारण से हमने अप्रेंटिसशिप को एक ऐसी अवस्था बना दी कि सब उद्योगकार व्यापारी दरवाजे बंद करके बैठ गए, किसी को घुसने नहीं देते। और किसी को भी नौकरी चाहिए तो लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस है क्या, एक्सपीरियंस लेना जाता है तो दरवाजा बंद है। जब तक हम अप्रेंटिसशिप को बल नहीं देते हमारे नौजवानों को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अप्रेंटिसशिप के ट्रेनी जो पहले 3,12,000 थे, 1.25 साल के भीतर 2,70,000 और उसमें जोड़ दिए। हमने वो व्यवस्था की। पहले हमारे यहां टारगेट होता था कितने बच्चों को तैयार किया, उसी को पूरा करने की दिशा में प्रयास था। हमने मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार के सिलेबस की जरूरत है, किस प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका सर्वे किया और अकॉर्डिंग टू दैट हमने स्किल डेवलप किया ताकि जॉब के साथ उसको कनेक्ट किया जाए और उसको उसका काम मिला जाए। और उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग को बल तो देना ही होगा, हम सब जानते हैं, कोई भी सरकार हो, भाषण के लिए हम कुछ भी कहें लेकिन देना पड़ेगा। और इसके कारण हमने FDI पर बल दिया, FDI में बढ़ोतरी हुई 48% करी। हमने 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे मेजर पोर्ट्स 2015 में सबसे ज्यादा हैंडलिंग हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा कार उत्पादन हुआ है। 50 नई मोबाइल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई है। ये सारी बातें स्किल और रोजगार के साथ जोड़ने वाली हैं और स्किल और रोजगार की दिशा में ये काम करने वाले हमारे प्रयास हैं। और उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 रैंक हम क्वांटम जंप लगाया है, ऊपर गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में हम 16 स्थान ऊपर गए हैं। मूडीज ने जो अपग्रेडेशन दिया हमारे लिए पॉजिटिव दिया है, जो ग्लोबल एनवायरमेंट में भारत की साख को बढ़ाता है, भारत की ताकत की पहचान कराता है। एम्प्लॉयमेंट की चर्चा, स्किल डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा हो, एक रोजगारी को लिए मानदंड के रूप में एक इंस्टीट्यूट को हमने मान्यता मिली हुई है, मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के आधार पर एनालिसिस करता है। जनवरी 2016 में इंडेक्स 229 था, यह इंडेक्स 2014 में सिर्फ 150 था और आज आप देख सकते हैं कि 150 से बढ़कर के 229 इंडेक्स को हम प्राप्त कर गए हैं। हमने रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री है उसको हमने टैक्स के अंदर सुविधाएं दी हैं, स्टार्टअप को बल दिया है, 3 साल के लिए टैक्स में हमने रियायत दी है ताकि नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मौका मिले। मुद्रा बैंक के द्वारा करोड़ों करोड़ों लोगों को हमने धन दिया है, जो पुराने थे उन्होंने एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंशन के कारण उसको 1-2 लोगों को और रोजगार देने का उसको अवसर मिला है। और इसमें भी ज्यादा SC ST और विमेन है, मुद्रा के लाभार्थी सबसे ज्यादा SC ST OBC एंड विमेन है। नए उद्योग जो लगेंगे उसके लिए हमने टैक्स को 25% पर रख दिया है और कोई बेनिफिट लेना अगर चाहता नहीं है तो ये बेनिफिट मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय बजट में आपने सुना होगा, हम जो पूंजीपतियों की चर्चा करते हैं, जो लोग फर्स्ट UPA में सरकार का समर्थन करते थे और वो जो पूंजीपतियों का विरोध कर करके अपनी दुकान गाड़ी चलाते रहते हैं, आप देखिए हमारे देश में बड़े बड़े मॉल हो वो तो 7 दिन चल सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर एक छोटा दुकानदार हो वो 7 दिन खुली नहीं रख सकता है। हमने बजट में इस बार घोषित किया है कि छोटे दुकानदार भी 7 दिन चला सकते हैं, देर रात भी चला सकते हैं। इसका परिणाम ही आने वाला है कि हर छोटा दुकानदार भी एक नए काम वाले को रखेगा, एक एक दुकान पर एक नए व्यक्ति के रोजगार की संभावना होने वाली है। और उस दिशा में महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूं आने वाले दिनों में रोजगार की दिशा में होने वाला है। चेयरमैन श्री, मैं आप थोड़ी किसानों के संबंध में बात करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि क्यों न देश जिसमें किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, हम सब मिलकर के, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इन शब्द प्रयोग को किया हुआ है, सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। रजनीताई, सावकाश,